हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि 365 क्वेश्चंस का मैं सीरीज आपके समक्ष लेके आई हूँ आपके केवीएस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से पहले, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, फटाफट से रिविजन कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। और यदि आप अदर एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम्स की, फिजिकल एजुकेशन की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी थ्योरेटिकल वीडियो स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज दिए गए हैं, और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के भी और चैप्टर वाइज भी। तो सभी को आप प्रैक्टिस में ला करके देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। यह पार्ट नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखने में प्रगति की दर घट जाती है और एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है। तो इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, जहां पे जा करके आपकी सीखना बंद हो जाता है, यानी सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है, कुछ समय के लिए एकदम रुक जाती है, जैसे वक्र की रेखा नीचे या ऊपर ना जाकर के सीधे सपाट चलने लगती है, तो उसको हम कहते हैं प्लेटू, यानी कि पठार। क्या कहते हैं? पठार। जैसे कि जो सीखने का वक्र है वो तीन प्रकार का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड कॉम्बिनेशन। नेगेटिव यानी ऋणात्मक में क्या होता है कि आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में मंद हो जाती है। इसमें वह कार्य होता है जहां हम उस कार्य के बारे में कुछ पहले से जानते रहते हैं। दूसरा होता है पॉजिटिव वक्र, यानी कि धनात्मक प्रगति सूचक वक्र जो होता है उसमें आरंभ में गति मंद होती है, सीखने की अपार भी तीव्र होती है, इसमें अभ्यास या प्रशिक्षण द्वारा वृद्धि होती है। और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन कर्व, यानी मिश्रित वक्र, जिसे हम सी टाइप देखने में यश जैसा रहता है, तो इसी वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यश वक्र भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सीखने की जो वक्र होता है घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। और प्लेटू में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि सीखने का अवधि, सीखने में कोई प्रगति नहीं होता, एकदम रुक सा जाता है, उसी को हम कहते हैं प्लेटू, यानी सीखने में पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा किसने प्रस्तुत की, विकसित की? तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिया है सिगमंड फ्रायड ने, इन्होंने बॉडी टाइप को इड, ईगो, सुपर ईगो तीन प्रकार में बांटा है। इन्होंने मन को तीन प्रकार में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की विधियों का विवरण है, मूल्य निर्धारण में पैमाना की अंतर्विच्छाएं और निरीक्षण की पेपर और पेंसिल टेस्ट, कागज और कलम जांच। तो व्यक्तित्व मापन की ये सभी विधियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरॉस सूचित करता है, तो एरॉस जो है जीवन की मूल प्रवृत्तियों को सूचित करता है। नेक्स्ट है फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार आंतरिक पिता है। तो दोस्तों, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार आंतरिक पिता जो है वह है सुपर ईगो। कौन है? सुपर ईगो, यानी कि सबकॉन्शियस लेवल। कौन सा है? सबकॉन्शियस लेवल। जैसे कि इन्होंने मन को तीन भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इसमें से इड जो होता है वह विचार नहीं करता है सही गलत का और कार्य आरंभ कर देता है, और ईगो जो होता है वह योजना बनाता है कि नहीं हम ये एक कार्य करेंगे तो अब इस, जैसे कि चोरी करना हुआ तो वो ऐसा करेगा कि अपने आप को उससे बचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि कोई पहचान न पाए। जबकि जो इड होता है वह कोई परिणाम की सोचेगा ही नहीं, और जो सुपर ईगो होता है वह सीधे कहेगा नहीं, चोरी करना अच्छा बात नहीं है। मतलब नैतिक मन जो सुपर ईगो है और सबकॉन्शियस लेवल, वो नैतिक मन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतना का कौन सा स्तर वह सामग्री रखता है जिसे आसानी से बोधगम्य बनाया जा सकता है।
तो वह होता है आपका सबकॉन्सियस लेवल, यानी पूर्व चेतन यानी अवचेतन मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संघर्ष जिसमें बालक माता के स्नेह प्यार के लिए अपने पिता से प्रतिद्वंदिता महसूस करता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह इडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी कि वह संघर्ष जिसमें बालक माता के स्नेह प्यार के लिए अपने पिता से प्रतिद्वंदिता महसूस करता है, तो वह इडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व की कौन सी शैली टीम की पूरी जवाबदेही लेती है? तो वह होता है आपका निर्देशात्मक शैली, कि दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन है। तो दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन क्या है दोस्तों? जो आप कोई कार्य कर रहे हैं, ऑडियंस वहां बैठे हुए हैं, तो वो दर्शकों द्वारा जो प्रोत्साहन है, जो मोटिवेशन करना है, क्लैपिंग है, वो आपका समाधि के प्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसको प्रतिपादित किया था अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन डेसी ने। किसने? डेसी ने। जबकि सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने की नियत से किए गए व्यवहार को कहते हैं? तो इसको जाहिर सी बात है, इसको हम आक्रमण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का विशिष्ट नैतिक भुजा है? तो इनके अनुसार नैतिक भुजा, दोस्तों नैतिक शब्द जहां पे आ जाए आप जानिएगा कि वो सबकॉन्सियस लेवल की बात कर रहा है, सुपर ईगो की, परा अहम की। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो नेता निश्चयीकरण में पूरी छूट देता है और समूह के क्रियाकलाप में भागीदार नहीं बनता है वह क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों पूरी छूट दे रहा है, समूह की क्रियाकलाप में भागीदार भी नहीं बन रहा है, तो वो स्वेच्छाचारी भी नहीं कहलाएगा, प्रजातांत्रिक भी नहीं कहलाएगा। यहाँ पे अहस्तक्षेपी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव यानी स्ट्रेस है, ऑप्शन है खिलाड़ी के लिए लाभ कर, उसकी क्षमताओं के लिए हानि कर, स्थिति के अनुसार लाभ कर और हानि कर दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो स्ट्रेस यानी दबाव है वो हानिकर और लाभकर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्लो ने आवश्यकताओं के क्रम को क्रम परंपरा में की निचले स्थान पर रखता है। तो दोस्तों मास्लो आवश्यकताओं को क्रम परंपरा में सबसे नीचे स्थान पर शारीरिक को रखते हैं। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्लो आवश्यकताओं की क्रमबद्धता के शिखर पर कौन सी आवश्यकता को रखते हैं? तो अभी जो इसको आवश्यकता के शिखर पर रखते हैं आत्मसिद्धि को। तो आपको क्या पता चला कि मास्लो जो है आवश्यकताओं को क्रम परंपरा में सबसे नीचे शारीरिक को रखते हैं और सबसे ऊपर आत्मसिद्धि को रखते हैं, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईआरसी सिद्धांत किसने दिया? तो ईआरसी सिद्धांत को दिया है एल्डरफर ने। किसने किसने दिया है? एल्डरफर ने दिया है। जबकि कार्ल यूंग ने क्या दिया है? इन्होंने बॉडी टाइप को एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट यानी कि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में बांटा है, अंतर्मुखी बाह्यमुखी में, और मैकलेलैन ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डरफल का सिद्धांत आवश्यकताओं को तीन श्रेणियों में बांटता है,
इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा सिद्धांत है? अस्तित्व की आवश्यकता। कौन सा सिद्धांत है? अस्तित्व की आवश्यकता। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है इसको भी आपको याद रखना है। इसको भी आपको याद रखना है कि इन्होंने तीन सिद्धांत दिया था, आवश्यकताओं के वर्धन की आवश्यकताएं, संबद्धता की आवश्यकताएं, अस्तित्व की आवश्यकताएं, जिसमें से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अस्तित्व की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अंतर्भूत अभिप्रेरणा है? तो दोस्तों अंतर्भूत अभिप्रेरणा वेतन, प्रोन्नति, फीडबैक, एक तो बाहरी बाह्य अभिप्रेरणा है, जबकि खेल की अभिरुचि यानी कि जो रुचि है आपके अंदर, संवेग भावना उत्पन्न हो रही है उस चीज के लिए, तो वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पे खेल की अभिरुचि आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा, जबकि प्रोन्नति, वेतन और फीडबैक ये क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? मोटिवेशन दो प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। अभिप्रेरणा को परिभाषित किया है सबसे अच्छे तरीके से मैग्डिगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत को दिया है हर्जबर्ग ने। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का पुनर्बलन यानी रीइनफोर्समेंट सिद्धांत का को किसने दिया है? तो दोस्तों जैसे कि इसको दिया है स्किनर ने। उत्तरोत्तर सामंजस्य को इन्होंने माना है, जैसे कि अनुबंधन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया को थार्नडाइक ने मेन माना है, जबकि इन्होंने सबसे पहले अभिप्रेरणा को माना है स्किनर ने। तो अभिप्रेरणा का पुनर्बल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो स्किनर ने। देखिए सीखने का कौन सा नियम बताता है कि बहुधा दोहराई जाने वाली बातें सबसे अधिक याद रहती हैं? तो कौन सा नियम यह बताता है दोस्तों? तो यह बताता है अभ्यास का नियम। कौन सा नियम बताता है? अभ्यास का नियम बताता है कि जो क्रिया ज्यादातर आप दोहराएंगे वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो अभ्यास का नियम, जैसा कि सीखने के नियम को मुख्य नियम में थार्नडाइक ने तीन नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तत्परता का नियम ये हुआ जैसे कि आप किसी चीज के लिए तैयार रहते हैं, उस चीज के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है, जैसे कि आप खेल खेलने से पहले आप वार्मिंग अप कर रहे हैं, ये आपका तत्परता के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। और अभ्यास का नियम को हम उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, जैसे कि जिस चीज का आप उपयोग करते रहेंगे, जैसे जिस अंक का आप उपयोग कर रहे हैं वो अंक आपका मजबूत होता जाएगा, जिस अंक का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं वो आपका कमजोर होता जाएगा। ठीक है। प्रभाव का नियम क्या है कि इसको संतोष का भी नियम कहते हैं, दंड और पुरस्कार का भी नियम कहते हैं, संतोष असंतोष का भी नियम कहते हैं, कि जैसे कि आपको जिस कार्य में रुचि है वो आप ज्यादा अच्छे बेहतरीन ढंग से करेंगे, और जैसे कि आपने किसी बच्चे को किसी कार्य को करने के बाद आपने उसको एक पुरस्कार दिया तो उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ गया, उसकी रुचि उसमें और बढ़ गया, तो उसका प्रभाव पड़ा उस पर, तो संतोष का नियम हुआ। आपने इसको कोई दंड दिया तो दंड का प्रभाव आपका नेगेटिव रूप में पड़ गया, तो वो असंतोष का नियम हो गया। तो संतोष असंतोष का नियम, प्रभाव का नियम कहते हैं। और इनके तीनों सिद्धांतों में सबसे उच्चतम शिखर पर रखा गया है प्रभाव के नियम को, ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक महत्व दिया गया है प्रभाव के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम होने की स्थिति मजबूत प्रायः अनुपयोगी छाप छोड़ती है। प्रथम होने की स्थिति मजबूत प्रायः अनुपयोगी छाप छोड़ती है, यह है प्रमुखता का नियम। मजबूत प्रायः अनुपयोगी, दोस्तों प्रथम होने की जैसे होड़ होता है कि हाँ हमको प्रथम ही होना है, उस कंडीशन में वो कोई भी गलत काम भी करके वो प्रथम होना चाहता है, तो कभी कभी यह अनुपयोगी सिद्ध हो जाता है, यह प्रमुखता का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन प्रमुख रूप से वे व्यवस्थाएं करने से संबंधित है जिससे संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य
व्यवहारिक रूप से प्राप्त हो सके, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेके सियर्स का। किसका है? जेके सियर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में से किसी समूह की किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई समान क्रियाएं ही संगठन के अंतर्गत आती है। जब व्यक्ति पारस्परिक संबंध बनाने के में संलग्न रहता है होते हैं तथा किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक व नियमित व्यवहार अपनाते हैं, तभी संगठन का प्रादुर्भाव होता है। तो इस कथन को किसने कहा है? तो इस कथन को कहा है S.S. मुखर्जी ने। ठीक है दोस्तों, संगठन और प्रशासन और पर्यवेक्षण से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो इसको आप परिभाषाओं को याद रखिएगा। और संगठन कहते किसे हैं? किसी चीज के समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का संगठन होना, संगठित होना ही क्या है? व्यक्तियों का समूह ही आपका संगठन है। इस बात को कहे हैं S.S. मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का संबंध उन गतिविधियों से है, संगठन का संबंध उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी ऊंचे या संरचना का निर्माण किया जाता है, जिसके किसके विचार हैं? तो इस प्रश्न का कहना है कि संगठन का संबंध उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी ऊंचे संरचना का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका कथन है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च का। ठीक है, तो इनका कहना है कि अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी ऊंचे संरचना का निर्माण करना। तो संगठन को क्या कहे हैं ये? अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऊंचे संरचना का निर्माण करना, या की पॉइंट आप याद रखिएगा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, संगठन कार्य करने की एक मशीन है। यह विशेषता व्यक्तियों, सामग्री, विचारों, प्रयत्नों, प्रतीकों, नियमों व कानूनों अथवा अक्सर इनके सम्मिश्रण से निर्मित होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर्थर बी हेमिलमैन का। किसका कथन है? आर्थर बी मोहिलमैन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन का संबंध संरचना तथा मानव संबंध दोनों से है। ठीक, संगठन का संबंध संरचना तथा मानव संबंध दोनों से है, यह कथन किसका है? यह कथन है डीमॉक का। किसका है? डीमॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रशासन शब्द का निश्चित स्वरूप व अर्थ का निर्धारण जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में विकसित निम्न विचारधारा ने किया। तो कौन सा विचारधारा ने किया? तो इस कॉमर्शियल विचारधारा ने किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में के कॉमर्शियल विचारधारा ने सर्वप्रथम प्रशासन शब्द का निश्चित स्वरूप व अर्थ का निर्धारण किया। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण शिक्षण कार्य के नियम और शिक्षण सेवा में सुधार लाने से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो पर्यवेक्षण शिक्षण के शिक्षण कार्य के नियम और सेवा में सुधार लाने के संबंध है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बर्टर का। किसका है? बर्टर का। नेक्स्ट है कि पर्यवेक्षण शिक्षकों के कार्य को उत्तम बनाने में सहायक करता है, तो यह कथन किसका है? रोमनी, ब्राउन, जेडी, नैग, इसमें से किसी का भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। और ये परिभाषा आपका अभी बर्टर का ही है और किम्बल, यंग, वेस सभी ने इस पर बात कही है। नेक्स्ट है, संगठनकर्ता यानी कि पर्यवेक्षक की निम्न विशेषता
है। तो एक पर्यवेक्षणकर्ता यानी कि संगठनकर्ता की विशेषता क्या हो सकती है? नेतृत्व का गुण, व्यावसायिक योग्यता, तकनीकी ज्ञान, ये सभी गुण उसके पास होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विधियां निम्न में से हैं। तो व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, प्रदर्शन विधि, ये सभी सारे शिक्षा के शिक्षण और प्रशिक्षण विधियां हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों यह दो प्रकार की होती है, सामान्य पाठ योजना और विशिष्ट पाठ योजना। विशिष्ट पाठ योजना विषय केंद्रित होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न कमांड का एक प्रकार है। तो निम्न में से कमांड का कौन सा प्रकार है दोस्तों? यहां पे आपका ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मक कमांड, लयात्मक कमांड, प्रदर्शन कमांड। तो ये सभी एक कमांड का प्रकार है। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल या युगल खेलों के टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए टूर्नामेंट उपयुक्त रहता है। तो दोस्तों चैलेंज टूर्नामेंट में एकल खेलों के लिए चैलेंज या सीढ़ीनुमा टूर्नामेंट, जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस आदि खेलों के लिए चैलेंज या सीढ़ीनुमा टूर्नामेंट उपयुक्त होता है। टूर्नामेंट के बारे में एक-एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानने के लिए टूर्नामेंट वाले वीडियो को आप देख लीजिए। एक बार आप टूर्नामेंट के वीडियो को सभी देख लेंगे तो उसके बाद कोई भी आपके पास डाउट नहीं रहेगा और कोई अन्य वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की स्थापना की गई 1960 में। कब किया गया? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजन का सिद्धांत निम्न है। तो यहां पे है आपका शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजन का सिद्धांत है लोकतांत्रिक विधि, उद्देश्यों के अनुरूप और विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के लिए समय तालिका बनाते समय निम्न तत्व ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन है प्राप्त उपकरण, मौसम के अनुसार, प्राप्त मैदान और स्टाफ। तो इन सभी तत्वों का ध्यान में रखना चाहिए। उपरोक्त सभी आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य मानवीय संबंधों की स्थापना है, ताकि विभिन्न प्रकार के मनुष्य आपस में मिलजुल कर समुचित रूप से कार्य कर सके। निम्न कथन किसका है? तो निम्न कथन है डॉक्टर श्रीनाथ मुखर्जी का। किसका है? डॉक्टर श्रीनाथ मुखर्जी का, कि शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य मानवीय संबंधों की स्थापना है, ताकि विभिन्न प्रकार के मनुष्य आपस में मिलजुल कर समुचित रूप से कार्य कर सके। इसको कहे हैं श्रीनाथ मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन किसी भी कार्यक्रम को सही तरीके से करना या उसका आयोजन करना है, जिसके कारण अध्ययन एवं अध्यापन दोनों ही क्रियाएं उत्तम या सुचारू रूप से चलती रहे। तो यह कथन किसका है? यह कथन है H.L. है जिसका। वेरी गुड परिभाषा है कि जो प्रशासन है, जैसे संगठन हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के समूह द्वारा बना लिए, बट उसका जो प्रशासनिक लेवल सही तरीके से आयोजन कराने का जो कोई प्रशासन कोई नियम नहीं रहेगा तो वो अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा। तो वो नियम देता है आपका प्रशासन। नेक्स्ट है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन मानवीय व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। संगठन चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, किंतु इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य का व्यवहार ही जिम्मेदार होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाटसन का। दोस्तों व्यवहार को जिम्मेदार, व्यवहारवाद के जनक ही है वाटसन। तो यहाँ पे वाटसन आपके सही हो जाएंगे।
अगर संगठन बना भी लिए उसमें कोई नियम कानून नहीं है, अच्छे से व्यवहार नहीं है, तो वो संगठन चल नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से की जा सकती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है फॉक्स विस और रफनर का। किसका है? फॉक्स विस व रफनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनके नामक विद्वान ने प्रशासन को किस रूप में व्यक्त किया है? जिनके नामक विद्वान ने प्रशासन को किस रूप में व्यक्त किया है? तो इन्होंने व्यवस्थापक व्यवस्थापन के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, जिनके नामक विद्वान ने प्रशासन को किस रूप में व्यक्त किया है? व्यवस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसे नामक विद्वान ने प्रशासन को किस रूप में व्यक्त किया है? तो प्रोसे नामक विद्वान ने प्रशासन को नीति के रूप में व्यक्त किया है। तो जिनके ने प्रशासन को व्यवस्थापन के रूप में व्यक्त किया है और प्रोसे ने नीति के रूप में व्यक्त किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अपने समय को गवाए बिना विशेष ध्यान दीजिए अपने स्टडी पर, और आप एक सीट अपना पक्का करके आइए और अपने स्टडी पे विशेष ध्यान दीजिए, और सभी कामों को दरकिनार करके विशेष रूप से इस टाइम को अपने मूल उद्देश्य पर लगाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।